चलिए लेट अस स्टार्ट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द मिरर्स। कल मैंने आपको मिरर्स बनाने सिखाए थे, कनकेव कन्वेक्स मिरर। आई शोड द मिरर्स आल्सो, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स। नाउ सबसे पहले इधर बनाते हैं कनकेव मिरर और इधर कॉन्वेक्स मिरर। वन थिंग मोर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स जितना भी आपको क्लास में करवाया गया है उसकी कॉपी कंप्लीट करके कल मुझे भेजनी है आपके सेक्शन में। आज कैन सी भेजनी है, कल आपने भेजनी है, क्योंकि वो चेक करके आप उसको साइड पे रखिए, बिकॉज दैट इज नॉट यूजलेस, दैट इज टू बी आस्क्ड इन टर्म टू। उसका एक टेस्ट भी हो गया कल, तो आराम से अब आप उसको रखिए। इलेक्ट्रिक मोटर से हम बाद में स्टार्ट कराएंगे, वो जो पहले टॉपिक कवर हो गए वो दोबारा नहीं कवर होंगे, राइट? तो कल मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के हाफ चैप्टर जितना कवर हुआ वो कॉपी मिल जानी चाहिए। वो आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, आराम से उसको संभाल के रखिए। वन थिंग मोर, जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट का चेक्ड आपको मिल रहा है पीडीएफ, जो पेपर्स की पीडीएफ है वो सब आपने संभाल के रखनी है, कोई भी डिलीट नहीं करना, ठीक है? आपने अपने पास अपनी चीजें संभाल के रखनी है, मैं वही कह रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम अनाउंसिंग, ठीक है? क्लियर? नाउ यू कम ड्रॉ कॉन्केव मिरर हियर, जल्दी करो परिणाम कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करो, जल्दी आओ, ऑल ऑफ यू ड्रॉइंग योर कॉपी, हाउ मच टाइम, जल्दी आओ। ये लो, चलो तो दिस इज कॉन्केव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहला तो यही है कि आपको मिरर की पहचान होनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा मिरर होता है बना लेंस देते हैं, पूछा कन्वेक्स होता है बना कॉन्केव देते हैं, वहां पे तो आगे भी कोई चांस ही नहीं है ना ठीक होने का। सबसे पहले तो मिरर और लेंस की आइडेंटिफिकेशन जरूरी होती है, राइट? अब इसकी टर्मिनोलॉजी, दिस AA डैश इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। पहली टर्म क्या है? एपर्चर। दिस पोर्शन AA डैश इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर, एपर्चर ऑफ द मिरर। एपर्चर मीन्स इट्स द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस। ये वो पोर्शन है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है वो पार्ट मिरर का। तो आप देख रहे हो ये AA पार्ट के किसी भी पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो सकती है। तो लिखो डेफिनेशन, एपर्चर ऑफ द मिरर, एपर्चर ऑफ द मिरर, इट इज द पोर्शन ऑफ मिरर, पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस। पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस। मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। ऐसे ही हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, बिफोर एपर्चर AA डैश। First definition is clear, second is pole, pole of the mirror, center of the mirror is called pole, center of the mirror is called pole, center of the mirror is called pole, third is principal axis. A line passing through pole is called principal axis. A line passing through pole is called principal axis.
और सेंटर ऑफ द मिरर. प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पोल. लाइन पासिंग थ्रू पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. और सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मिरर भी तो आनी चाहिए आपको. व्हाट इज अ कनकेव मिरर? तो ध्यान से सुनिए. इफ आई कंप्लीट दिस स्फीयर, अगर मैं ये स्फीयर कंप्लीट कर दूं, ठीक है, कनकेव मिरर स्फीयर का पार्ट है. कैसा स्फीयर है ये? दैट इज पॉलिश्ड सिल्वर फ्रॉम इनसाइड, जिसको अंदर से पॉलिश किया गया, बाहर से ओपेक पेंट किया गया, विच इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इनसाइड. तो ऐसे स्फीयर के पार्ट को हम क्या कहते हैं? कनकेव मिरर. और उसका जो बिल्कुल रिवर्स है वो है कन्वेक्स मिरर. तो लिखो डेफिनेशन कनकेव मिरर की. सबसे पहले टॉप पे लिखिए कनकेव मिरर. इट इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर. कनकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर विच इज पॉलिश्ड सिल्वर फ्रॉम इनसाइड और विच इज मेड रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इनसाइड. कनकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर विच इज पॉलिश्ड सिल्वर और विच इज मेड रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इनसाइड. विच इज पॉलिश्ड सिल्वर फ्रॉम इनसाइड. और कॉन्वेक्स मिरर में आप क्या लिखोगे? विच इज पॉलिश्ड सिल्वर फ्रॉम आउटसाइड. कॉन्वेक्स मिरर इट इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर विच इज पॉलिश्ड सिल्वर फ्रॉम आउटसाइड. इट इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर विच इज पॉलिश्ड सिल्वर फ्रॉम आउटसाइड. लाइन पासिंग टू पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. A line passing through pole of the mirror is called principal axis. Clear? Next term is center of curvature. Center of curvature denoted by C. Capital C से denote करते हैं इसको. Center of curvature. ये जो स्फीयर बनाया ना अपने, जिसका मिरर पार्ट था, उसके सेंटर को बोलते हैं. दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेम वे अगर हम इसको कंप्लीट कर दें, इसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो हाउ वी विल डिफाइन दैट? लिखिए, ये देख लो कन्वेक्स का. सेंटर ऑफ कर्वेचर डेफिनेशन. It is the center of the sphere. It is the center of the sphere of which the mirror is a part. It is the center of the sphere of which the mirror is a part. उस sphere का center उसको बोलते हैं जिसका mirror part है. जिस sphere में से हमने mirror को cut किया है उसके center को बोलते हैं बस. So it is the center of the sphere of which the mirror is a part. Next term is radius of curvature, capital R. It's the term is radius of curvature, capital R. तो उस स्फीयर के रेडियस को आप कहते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, रेडियस कहां से कहां तक बात हो रही है ना? सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहां पे भी ये है रेडियस ऑफ. तो लिखिए डेफिनेशन. इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट. इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the mirror is a part, P-A-R-T, part. It is the radius of the sphere of which the mirror is a part. जिस sphere का mirror part है उसके radius को कहते हैं radius of curvature.
नेक्स्ट टर्म इज फोकस, फोकस डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सेंटर में होता है फोकस, बिल्कुल इसका मिड पॉइंट है फोकस। पर दिस इज नॉट द ओनली डेफिनेशन, लिख तो सकते हो वैसे आप, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर रे डायग्राम बना के। कहा से पास करेगी ये मिरर से टकराने के बाद अकॉर्डिंग टू द रूल इट शुड पास थ्रू फोकस। एक और ये लेते हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, इट शुड आल्सो पास थ्रू फोकस। यहां तक ठीक है, एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। अभी हम उसी का डिफाइन कर रहे हैं कि इस पॉइंट को फोकस कहते हैं। जितनी मर्जी रे ले लो आप पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, कम फोकस में से बात करेंगे। तो आप देख रहे हो सभी रे यहाँ पे मीट कर रही हैं। सो दिस पॉइंट एट विच ऑल द रेज दैट वर इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। जो रेज पहले पैरेलल थी वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो ये डायग्राम बना के इसकी डेफिनेशन लिखी है, ये पहले कन्वेक्स मिरर का फोकस है, कन्वेक्स का अलग हो। सो राइट द फोकस डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑफ कन्केव मिरर फर्स्ट बना लो डायग्राम। मैं आपको कंबाइंड डेफिनेशन देता हूँ, अभी पहले लगता हूँ अगर अकेला फोकस आता है तो हम कंबाइंड डेफिनेशन लिखेंगे, पहले सेपरेट देते हैं। सो राइट डाउन, इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच all the rays, it's a point on the principal axis at which all the rays initially parallel to the principal axis, it's a point on the principal axis at which all the rays initially matlab pehle initially parallel to the principal axis, initially parallel to the principal axis, comma, meet after reflection from the mirror, meet after reflection from the mirror. तो जो जिस पॉइंट पे सारी रेज मीट करती है बाद में जो पहले पैरेलल थी उसको बोलते हैं फोकस। Now let us draw the focus of convex mirror. Now let us take a ray parallel to the principal axis. Because of its nature, ये ray को ऐसे वापस भेज देता है, वापस प्रोड्यूस करने पे ऐसे लगता है वो रे फोकस में से आ रही है, एक पॉइंट में से बाहर आ रही है। तो ये इसका नेचर ही डिफरेंट है, ये रे को ऐसे वापस दे देता है, व्हेन वी प्रोड्यूस इट बैक इट अपीयर्स टू कम आउट ऑफ अ पॉइंट। वन मोर रे, लेट अस ड्रॉ वन मोर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी इस तरह से इसको वापस भेज देगा, चेक कर देगा एज इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ द सेम पॉइंट। As many rays as you can draw. सभी फोकस में से बाहर अपनी लगेगी आपको।
बनाएंगे उससे पता लगता है कि ये इसकी तरफ आ रही इंसिडेंट है, ये बाहर जा रही है ताकि बिल्कुल रिफ्लेक्टेड है। बिना एरो के नहीं बनाना पड़ती रे डायग्राम। तो अब सारी रेज देखिए ये रिफ्लेक्टेड है, फोकस में से आपकी लगी, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। एक तो आती हुई लग रही है एंड दे आर नॉट मीटिंग, दे आर कमिंग आउट। कमिंग आउट को कहते हैं डाइवर्ज और मीटिंग को कहते हैं कन्वर्ज। तो आप पहली डेफिनेशन में कन्वर्ज भी लिख सकते थे मीट के प्लेस में। हाँ जी, ये वर्चुअल है ना जो इमेजिन कर रहे हैं हम। देखो एक्चुअली रेज आर नॉट मीटिंग, ये कभी मीट नहीं करेंगे इधर, हम इनको बैकवर्ड इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ मीट करेंगे और यहाँ इमेज बनती होगी, वो वर्चुअल है। सो राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस केस, उधर लिखो इट इज अ पॉइंट। आई बना, आई एम नॉट रखिंग इट। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, राइट डाउन नाउ डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। It's a point on the principal axis from which all the rays initially parallel, to the principal axis. From which all the rays initially parallel to the principal axis, comma, appear to diverge after reflection. एक तो converge के केस में diverge, और वो भी actually नहीं appear लग रही, तो ये चीज़ है appear to diverge after reflection. So that is why convex mirror is called divergent mirror because of its nature. Convex mirror is called diverging mirror and convex mirror is called converging mirror. Concave mirror is also called converging mirror. That's why, because of its nature. क्योंकि rays को ये converge करवाता है, meet करवाता है. But convex mirror is also called diverging mirror because of its nature. Is that okay? Clear? Now one combined definition of focus of a mirror. It is a point on the principal axis at which all the rays initially parallel to the principal axis converge or diverge or appear to diverge after me. एक बार सुन लो पहले, दोनों चीजें आ गई बीच में, या तो कन्वर्ज करती है या अपीयर टू डाइवर्ज करती है, तो दोनों केसेस हमने बीच में ले लिए, दोनों मिरर्स आ गए। यस लक्ष्य, कैन यू रिपीट द डेफिनेशन ऑफ फोकस दैट आई जस्ट स्पोक। मैंने तो कंबाइंड डेफिनेशन बोली, आप तो एक ही केस बोल रहे हो। चलो लिखो फिर, फोकस ऑफ अ मिरर कंबाइंड डेफिनेशन ऑफ, डिफाइन फोकस ऑफ अ मिरर। अब हम मिरर मेंशन नहीं करते, अब ये लिखिए डिफाइन फोकस ऑफ अ मिरर। इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच at which all the rays initially parallel, to the principal axis converge, or appear to diverge
अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन. फोकस, ये था फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये था फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर. अब मैंने आपको बताया फोकस ऑफ अ मिरर, एनी मिरर. लास्ट डेफिनेशन है फोकल लेंथ. लास्ट टर्म टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं ना हम. लास्ट टर्म लिखी है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेंथ. फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से. ठीक है, तो ये अब पर always remember distances in case of mirror are always measured from the pole. एक पॉइंट पोल जरूर होगा, दूसरा डिपेंड करता है. अगर हम दूसरा पॉइंट फोकस लेते हैं वो फोकल लेंथ बन जाए. अगर हम दूसरा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाए. पर एक पॉइंट पोल ही होगा. ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन. ये पोल है आपका, ये डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में, इसको कहते हैं फोकल लेंथ. और इधर भी ये डिस्टेंस पोल और फोकस में, दिस इज फोकल लेंथ. वहीं पे मार्क कर लो जहां पहले बनाया था पोल और फोकस. तो ये जब भी आपने डायग्राम बनाने स्केल से मेजर करके बनाने, जितना ये डिस्टेंस उतना ये होना चाहिए. फोकस मिड पे आता है बिल्कुल. फोकल लेंथ की डेफिनेशन लिखो. डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ऐसे भी कह सकते. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ. So PF is equal to F. Distance of focus from the pole of mirror. Distance of focus from the pole of mirror is called focal length. That means ये जो PF है वो है focal length equal. Now what is the sign convention? कब हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कब कोई डिस्टेंस नेगेटिव होगा. लेट अस सी, ऑल व्हिच इज डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ पोल आर टेकन टू बी नेगेटिव, ऑल द डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ पोल विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव. तो इसलिए कंकेव मिरर की फोकल लेंथ प्लस एफ है, माइनस एफ है, राइट लेफ्ट तरफ है. इसका फोकस लेफ्ट पे है ना, तो इसकी फोकल लेंथ माइनस है. पर कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड है, तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, प्लस एफ. सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव बट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव. नोट कर लो बिल्कुल. ठीक है, तो क्योंकि फोकस सेंटर में आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल के, सो यू कैन से फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. f इज इक्वल टू r बाय 2. साइन विल वेरी अकॉर्डिंगली. कॉन्केव मिरर का कर्वेचर भी नेगेटिव होगा, वो भी लेफ्ट है, और कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, वो राइट पे है. तो साइन ऑफ फोकल लेंथ will give you an idea about nature of the mirror. अगर focal length positive है, कौन सा mirror है? Convex, virtual नहीं, diverging. And if the focal length is negative, कौन सा mirror है? Concave mirror. चलिए, ये हो गई सारी terminology, right? Now we are going to start image formation of concave mirror. But before that we have to do three rules for image formation. So we will do 6 cases. 6 cases of image formation of concave mirror.
because it can form both real and virtual images. ठीक है, जब कोई बात नहीं हो जाएगी बंद कर, तब तक कुछ ना कुछ ना थोड़ा बाद में करवाऊंगी. Any question from your side? After this.